22 साल का नौजवान अमूमन क्या सोचता है, एक अच्छी सी नौकरी या कारोबार या फिर कोई अच्छी सी लड़की शादी के लिए या फिर घर या गाड़ी। लेकिन साबिर अली का 28 साल का बेटा ना तो नौकरी के बारे में सोचता है और ना गाड़ी के बारे में। वो सिर्फ एक बात सोचता है, सिर्फ एक बात, कि क्या वो कभी अपने पांव पे खड़ा हो पाएगा बगैर किसी सहारे के। कराची के इलाके शाह फैसल टाउन का रिहायशी 28 साल का मोहसिन। आज से 10 साल पहले तक मोहसिन बिल्कुल सेहतमंद था। मोहसिन अपने बाप के साथ पान शॉप चलाता था जिससे सारा घर चलता था। मगर हड्डियों की बीमारी ने नौजवान मोहसिन को ऐसा घेरा कि वो नौजवान जो सारा सारा दिन पान शॉप पे खड़ा होता था आज अपने कदमों पर भी खड़ा नहीं हो सकता। इब्तदा में मोहसिन को जिस्म में दर्द होना शुरू हुआ जिससे चलने में दुश्वारी होने लगी और फिर रफ्ता रफ्ता मोहसिन चलने से भी गया और बिस्तर पर पड़ गया जहां से उठना अब उसके बस में नहीं है। मोहसिन के वालिद साबिर अली अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए शहर भुट्टो लाड़काना से अपना घर बेचकर कराची आ गए और सोचा कि शायद उनके दिन भी फिर जाएं। कराची आकर इनके दिन तो फिरे लेकिन यूं कि मोहसिन जो साबिर अली का बाजू था इसके बूढ़े कंधों पर आ गया। साबिर अली ने बेटे की सेहतयाबी के लिए अपनी 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन भी बेच दी लेकिन बेहतरी मुमकिन ना हो सकी। 10 साल बीमारी के बाद साबिर अली को अब पता चला कि मोहसिन की सेहतयाबी के लिए कसीर रकम दरकार है। मोहसिन की बीमारी से मोहसिन की कुव्वत गोयाई तो गई लेकिन इसके साथ साथ साबिर अली भी अब चुप चुप रहने लगा है। अच्छा था काम चलता था ये दुकान पे, अचानक इससे दर्द हुआ। मैंने बोला दुकान पे जाओ, बोला अबू मेरे पैरों में दर्द हो रहा, डॉक्टर तो चेक कराया इसे, डॉक्टरों ने दवाई दे दी। फिर जाता रहा दुकान पे, फिर 2-3 दिन बाद दर्द हो गया, तो अबू मैं दुकान पे काम नहीं कर सकता, मेरे दर्द होता है। फिर ऑडियो हॉस्पिटल था वहाँ दिखाया, उन्होंने दवाई दी, बोला हड्डियों का मसला है, सेहतमंद भी बहुत था। बीमारी की हम बात कर रहे हैं वो कहलाती है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। मुझे पता नहीं उर्दू में इसको क्या कहेंगे लेकिन एक गठिया की किस्म कह लें। इसकी बदकिस्मती ये है कि ये बहुत ही कम उम्र में शुरू होती है और ज़्यादातर 15-16 साल के नौजवान में शुरू हो जाती है। मर्दों में ज़्यादा आम है लेकिन ख़वातीन में भी होती है और ख़वातीन में जब होती है तो और भी ज़्यादा शदीद होती है।
इसकी दूसरी प्रॉब्लम यह है कि कम उम्र में 16-17 साल में किसी कमर में दर्द होता है तो ज़्यादातर घर वाले, वालदैन, रिश्तेदार वो समझते हैं कि बच्चा कमज़ोर है या काम नहीं करना चाहता या पढ़ाई से भागना चाहता है। तो बहुत हमें इवन एजुकेटेड फैमिलीज़ के पेशेंट्स में नज़र आए कि पहले 2-3 साल तो वो निगलेक्टिव हो जाते हैं। ये बहुत पहले हसमुख था, बहुत मुझसे मजाक करता था, हंसी मजाक घुमाने फिराने लेकर जाता था, हर कहीं घुमाता था, चीज़ें लाता था घर में मेरे लिए, कभी कुछ लेकर आ रहा है, कभी कुछ खाने के लिए, पीने के लिए, हंसी मजाक करना, पर अब ये बात तक भी नहीं करता है। मैं बोलती हूँ मोहसिन बोलो बोलो कुछ कहो, खाना तुम्हें क्या चाहिए, बस सिर्फ देखता रहता है। मोहसिन की आप बात करें ना, उसको बहुत शदीद हद तक की डिज़ीज़ है, अग्रेसिव जिसको हम कहें, जो उसके लैब की टेस्ट हैं हमारे रूमेटोलॉजिस्ट देख रही हैं तो वो बताते हैं कि अभी भी बीमारी एक्टिव है। मेनली जो उसको मसला हुआ था वो कूल्हे के जोड़ उसके ख़त्म हो चुके हैं। बीमारी थोड़ी सी दवाओं से कंट्रोल में आएगी तो ऑपरेशन करने में हिफाजत होती है। यहाँ पर इंडस अस्पताल में उसको ऑपरेशन की डेट हम देंगे जब वो इतना फिट हो कि उसकी सर्जरी हो सके। शायद उसमें 4 महीने लगें, शायद उसमें 7 महीने लगें, अभी पता नहीं है। तो लास्ट उसके ब्लड टेस्ट हैं वो बहुत हौसला अफजा नहीं है, अभी उसको और दवाओं वगैरह की ज़रूरत है। बस दिली दिल में रोता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, बच्चे की तरफ देखता हूँ, रोता रहता हूँ। बड़ा बुरदबार आदमी हूँ, 70 साल मेरी उम्र है, फिर भी मेहनत तश हूँ, मेहनत से खाना पसंद करता हूँ, सच्चा हूँ। अल्लाह इस पर मुझे सच्चाई पे वो रखेगा और मैं क्या कह सकता हूँ, अल्फाज नहीं है वो, कहाँ से इस्तेमाल करूँ। सबसे अच्छा ये था, 24 घंटे की ड्यूटी दुकान पे देता था और अब्बू को कहता था कि आप बैठ जाओ, आप नहीं जाओ दुकान पे। अगर अब्बू दुकान पे जाते भी थे तो ये वापसी उनको बोलते जाओ अब्बू आप आराम कर लो, मैं बैठ रहा हूँ दुकान पर। देखिए होप तो बिल्कुल है, क्योंकि इस बीमारी में एक टेंडेंसी होती है जिसको हम कहते हैं बर्न आउट। जैसे लकड़ी को आपने जलाया तो लकड़ी जल के ख़ुद ख़त्म हो जाती है। अगर दवाओं से कंट्रोल हो जाती है तो काफ़ी सारे जोड़ बच के मरीज़ मतलब कुछ जोड़ों से प्रॉब्लम महसूस करता है, कुछ में दवाओं के बावजूद भी बीमारी नहीं रुक पाती है तो कुछ जोड़ों को डिस्ट्रॉय करके ख़ास उम्र में ख़त्म हो जाती है, इन द सेंस कि वो एक्टिव नहीं रहती। मौसी नज़र ठीक हो जाता तो मेरी मतलब है तुझ बुढ़ापा सही हो जाता। अब मेरे पैर में थरे होने से मेरी नस भी फट गई है, ये सारे पैर में मेरी ये नस फटी हुई है, इससे बोलते हैं सर्जरी होती, मुझे इतना टाइम नहीं है तो मैं सर्जरी कराऊँ। उन्होंने बोला था इससे ऑपरेशन थे, कौन सी बीमारी है, तू ही तुझ बीमारी बताता है, इस 22 लाख रुपये खर्च होंगे, अभी बच्चा कहीं जा सकता आ सकता नहीं है, एम्बुलेंस में ले आना पड़ता है, इसे एम्बुलेंस में लाना पड़ता है, मेरे इतने असरियात नहीं है कि अपलोतर सब। बस अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द ठीक कर दे। अल्लाह ताला भी जब ठीक करेंगे ना, जब पैसा होगा हाथ में। कोशिश हमने बहुत की है, मगर कोशिश भी की है, मगर इतने पैसे नहीं है हमारे पास कि हम अपने भाई को खड़ा कर सकें।
भाई से लाख खर्चा बताते हैं। अब हमारे पास इतना ही नहीं, 2 लाख कहाँ से करें? पीपल पार्टी जब तक थी जब तक भुट्टो था, ये पीपल पार्टी क्या तरी थी? ये तो अपने ही घर भरने के चक्कर में है, ये हमारा गरीब क्या सोचे थी? अगर उन्हें अल्लाह हिदायत दे तो इस तरफ भी देख ले। मैं तो उनके लिए दुआएं तरता हूँ, बेनज़ीर थी वो चली गई। आसिफ जरदारी जो हैं उन्हें भी बोलता हूँ कि मेरी बच्चे की तरफ देख लें। ए तुरुष है आप ते क्या जाएगा, समंदर में से ततरा निकल जाएगा, मेरे हाथों की ठंडक वापिस हो जाएगी, मेरा घर बड़ा परेशान है। इस प्रोग्राम में हम मौजूद हैं मोहसिन अली के पास, एक गरीब की ज़िंदगी के लिए मोहसिन बग़ैर सहारे के खड़ा होना चाहता है। क्या आप बनेंगे ऐसा सहारा कि मोहसिन को पता ना चले? आइंदा प्रोग्राम में हम आएंगे आपके पास मोहसिन के लिए। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कुछ इबादतों की कज़ा नहीं होती।